और देखिए ईडी के बाद अब एनआईए ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग कर ली है, तो उस पर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने जहां राज्य सरकार पर निशाना साधा है, वहीं जेएमएम ने जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठाए हैं। खास रिपोर्ट देखिए। झारखंड में एनआईए को डर लगता है। एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा पत्र, ऑफिस और अधिकारियों की सुरक्षा की मांग। ईडी के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने भी सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने ऑफिस और अफसरों की सुरक्षा का मामला उठाया है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड के मुख्य सचिव और गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। पहले ईडी ने और अब झारखंड एनआईए ने गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अपने भवन और अपने अफसरों की सुरक्षा का हवाला देकर सुरक्षा में और इजाफा करने की मांग की है। एनआईए में तो ऐसी कोई घटना अभी नहीं घटी है, लेकिन ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची के होटवार जेल के कुछ कर्मियों और जेलर द्वारा कथित रूप से साजिश कर उन्हें फंसाने की एक बात भी हवाओं में है, चर्चा में है। सूत्रों की माने तो एनआईए ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर कहा है कि झारखंड में कई गंभीर मामलों की जांच चल रही है। आतंकी संगठन पीएफआई और नक्सली संगठनों के खिलाफ एनआईए कार्रवाई कर रही है। अब इसे लेकर एनआईए के अधिकारियों को सुदूर गांवों में भी जाना पड़ता है, लेकिन ये संगठन एनआईए के अधिकारियों को निशाना बना सकते हैं। अब राज्य सरकार के अधिकारी केंद्रीय एजेंसियों को डराने लगे, यहाँ के जो अपराधी तत्व के लोग हैं, जो जेलों में बंद हैं, वैसे लोग इस तरह का षड्यंत्र करने लगे, उसमें जेल अधीक्षक से लेके वहाँ का कर्मचारी इस तरह का काम करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार की नीयत क्या है। हर व्यक्ति को, हर संस्था को स्वतंत्रता पूर्वक अपने काम करने देना चाहिए। केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखे पत्र पर सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इसे लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं सत्ताधारी दलों ने केंद्रीय एजेंसियों पर ही सवाल उठाए हैं। भारतीय जनता पार्टी का खेल है सब। मैं ईडी को कहूंगा, मैं एनआईए को कहूंगा कि आप अपना काम कीजिए ना, आप हम लोग यू मोस्ट वेलकम, बताइए जहाँ करप्शन है हम लोग साथ हैं, आपके खड़े हैं, आप सहयोग मांगिए, सहयोग करेंगे हमको। एक कहावत है ना कि चोर मचाए शोर, वही चीजें अब यहाँ पर केंद्रीय एजेंसियां कर रही। जब तक जहां तहां जो घुस जाती है तो क्या करेंगे गृहमंत्री जी। सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्रालय के पत्र के बाद अब एनआईए के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। इससे पहले जेल से साजिश के खुलासे के बाद ईडी के अधिकारियों की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से दीपक, राकेश और शहनवाज की रिपोर्ट। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता फोन लाइन पर राकेश जुड़ रहे हैं। राकेश, देखिए ईडी के बाद अब एनआईए ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की, और आपको याद होगा इससे पहले ही ईडी ने अपनी सुरक्षा के लिए मांग की थी और जेल अधिकारियों पर गाज गिरी थी और उन्हें भी समन जारी किया गया था, उनसे पूछताछ हो रही है और कई अहम खुलासे, और ऐसे में अब एनआईए की एंट्री। बिल्कुल, देखिए लगातार बैक टू बैक ये चीजें हो रही हैं। पहले ईडी के तरफ से ये कहा गया कि उनकी सुरक्षा को खतरा है और जेल से ईडी को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी जो है वो राज्य में रखी जा रही है। ये भी कहा गया कि नक्सलियों की मदद ली जा रही है और उनकी मदद से जो ईडी के अधिकारी हैं उनको टारगेट किया जा सकता है। दूसरी तरफ ये भी बात कही गई कि हनी ट्रैप भी उनको किया जा रहा है, उसकी भी कोशिशें हो रही है। तो कई तरह के आरोप जो है वो केंद्रीय जांच एजेंसी जो है वो लगा रही है राज्य सरकार पर। और आप देखिए उसी कड़ी में अब जो एनआईए है, तो एनआईए की तरफ से भी इस बात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत लिखा गया है कि उनको भी सुरक्षा की जरूरत है और राज्य में जो परिस्थितियां हैं, जो स्थितियां हैं वो माकूल नहीं है, और जो एनआईए के अधिकारी हैं, चाहे ईडी के जो अधिकारी है, जो लगातार कई तरह के यहाँ जो
स्कैम हुए हैं उसकी वो जांच कर रहे हैं, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो, चाहे दूसरे जमीन से जुड़े हुए मामले हो, तो इन तमाम मामलों में लगातार ईडी की कार्रवाई राज्य में चल रही है। बीते एक बरस से कार्रवाई चल रही है और अब जो चीजें निकल कर आ रही है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को बेचैन कर सकता है, राज्य सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है। और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी इन चीजों को लेकर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं गंभीर है। दूसरी तरफ इसको लेकर अब राजनीति भी हो रही है, सत्ता पक्ष को लग रहा है कि ये तमाम जो चीजें हैं जिस तरीके के आरोप ईडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं या फिर एनआईए ने जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्रालय को खत लिखा है, इन तमाम चीजों के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी है। बीजेपी राज्य सरकार की छवि को इस तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश कर रही है, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है और खासतौर पर मुख्यमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की जो छवि है उसको धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। तो सत्ता पक्ष के अपने तर्क है, दूसरी तरफ विपक्ष के अपने तर्क है। बीजेपी ने इसको लेकर बाकायदा आपने देखा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी के जो प्रवक्ता है प्रफुल्ल सहदेव ने हाल में ही किया था और उन्होंने कहा था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई से करानी चाहिए और राज्य सरकार को सीबीआई जांच की अनुशंसा करनी चाहिए। तो चीजें अब धीरे धीरे करके दूसरी तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ईडी और अब एनआईए इस तरह का आरोप लगा रहा है अगर राज्य सरकार पर, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का विषय है ये। बिल्कुल राकेश, तो इससे ये साफ जाहिर है कि अब तक बस केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की बात होती थी और अब केंद्रीय जांच एजेंसियों के सुरक्षा के भी मुद्दे सामने आ रहे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल आपका राकेश बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए ये पूरा मामला एनआईए से जुड़ा हुआ है जहां अब ईडी के बाद एनआईए ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है और अपनी सुरक्षा की मांग की है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।